अगर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं पहले ये वीडियो देख लें, क्योंकि जरा जरा रुक लें, मोबाइलों की होने वाली है बारिश हर कंपनी मार्च के स्टार्ट में और अप्रैल के मार्च के एंड में और अप्रैल के स्टार्ट में मोबाइल कंपनियां लेके आ रही हैं। इन्फिनिक्स भी न्यू लेके आ रहा है, मी कंपनी भी न्यू लेके आ रही है, समथिंग भी कुछ मॉडल न्यू लेके आ रहे हैं, इसलिए आपको करना होगा थोड़ा सा स्टे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मोबाइल कंपनीज लेके आ रही हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, कितना कैमरा है, हर चीज। हमारी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपकी हर मालूमात आपको मिल सके। हम जो जिस मोबाइल की सबसे पहले आपको बता रहे हैं वो है मी कंपनी का रेडमी नोट 10 प्रो है, जिसकी हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो पैनल दिया जा रहा है वो सुपर एमोलेड पैनल दिया जा रहा है और इसमें जो कैमरा आपको दिया जा रहा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया जा रहा है रियल, और उसके साथ 1.8 का आपको इसके साथ लेंस किया जा रहा है। और ये बहुत ही एक अच्छा मोबाइल फोन है। और जो ये और अगर हम चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन इसमें चिपसेट आ रही है, जो कि एक बेहतरीन चिपसेट ऑप्शन से आया है। और ये मोबाइल का बहुत ही अच्छी लुक जो आप देख रहे हो, क्योंकि हर कंपनी आप नई डिज़ाइन पे अपडेट हो रही है, एक नई लुक हर मोबाइल की लेके आ रही है। तो फाइनली मी कंपनी भी एक डिफरेंट लुक, अच्छी डिजाइनिंग स्टाइलिंग लुक आ रही है। और ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इसका बैक और फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास हो, और इस जाके इसकी मजबूती अगर गोरिल्ला ग्लास हो तो बहुत हो गया। अब हम प्राइस पे बात करें तो अभी इसकी प्राइस फाइनली नहीं आई, क्योंकि अभी ये मार्केट में नहीं आया, कंपनी ने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, इसका बुक्स लीक आउट हो गया था, इसकी कुछ समथिंग इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, जो इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है वे भी अभी ये पाकिस्तान में भी इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अब ये 4 या 5 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, उसके बाद ये पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाएगा। जब सारी कंपनीज मोबाइल फ़ोन लेके आ रही हैं, अब रियल मी भी लेके आ रही है, ये सिर्फ मेरे ख्याल में गेमिंग को टारगेट करके हुए लेके आ रही है। इंडिया में ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है, जिसकी हम बात करेंगे। इसके जो डिस्प्ले है इसका 720p इसका डिस्प्ले है, 5G डिस्प्ले है, इसमें जो इंटर का डिस्प्ले दिया गया 720p और 5G इंटर का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अब ये प्राइस के एक्सेप्ट हिसाब से होगा कि ये भी ठीक है या नहीं, क्योंकि फाइनली इंडिया में इसकी अंडर प्राइस जो रखी गई है वो 30,000 तक रखी गई है, और पाकिस्तान में देखते हैं किस प्राइस में आता है। जो इसका कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल इसका कैमरा दिया गया है, रियल कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छा है, रियल कैमरा दिया गया है रियल मी की तरफ से। और उसके अलावा इसका जो आपको इसके साथ आपको 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है, और इसकी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और ये हिलोजी चिपसेट के साथ आता है और 6000mAh बैटरी के साथ आता है, जिससे आपको बैटरी बैकअप बहुत मिलने वाला, आपको परेशान होने वाली भी नहीं है। और इसके और ये नार्जो 30A मॉडल लेके आ रहा है और रियलमी, जिसे गेम लवर के लिए लेके आ रहा है। अब ये फाइनली जब आएगा तब पता चलेगा कि अभी इन्होंने जो इसमें दे रहे हैं ऑप्शन या फीचर, ये इन्होंने हाईलाइट नहीं किए, जब ये आएगा तो पता है। लेकिन ये स्पेशली गेमिंग लवर के लिए लेके आए हैं, इसलिए इसको गेमिंग लवर के लिए रखा गया है। सैमसंग भी अपनी एक नई सीरीज के मार्च में लेके आ रहा है, वो सीरीज है ए की, ए सीरीज में 32 मॉडल लेके आ रहा है। इसमें जो उन्होंने कैमरा दिया है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है रियल कैमरा, और उन्होंने सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। और मजे की बात ये है कि इसने सुपर अमलेट HD पैनल में वो लेके आ रहे हैं, गोरिल्ला ग्लास के साथ लेके आ रहे हैं, जो आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलेगी। लेकिन ये मोबाइल अब मार्केट में इसका डिज़ाइन अच्छा बना दिया, जिस तरह 31 था अब 32 पे आ गया है इस एरिया में। और इसके जो प्राइस को आपको पता है सैमसंग बहुत हाई होती है, लेकिन ये जो मार्केट में आने वाला है 15 मार्च तक आई आ जाएगा, लेकिन सैमसंग का पता भी नहीं चलता, सुबह उठते हैं मॉडल नया मार्केट में आया होता है, इनकी एक जबान नहीं है, किसी वक्त भी ये
मार्केट में कोई भी मॉडल ला के फेंक देते हैं, इसलिए पता नहीं चलेगा अभी। लेकिन ये पैनल ये 15 मार्च तक या 15 मार्च के आगे, ये मार्च के लास्ट तक ये मार्केट में आ जाएगी ये फाइनली। ये एडवाइस, ये बेहतरीन एडवाइस है अगर आप लेना चाहते हैं। और इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया है वो चिपसेट हेलो चिपसेट है, और ये बहुत ही अच्छा एक चिपसेट है। अगर बाकी इसकी प्राइस ऑफिशियली पाकिस्तान में आई नहीं, ये प्राइस आने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो चिपसेट लगाया है इस प्राइस के हिसाब से बेटर है या नहीं बेटर। इसके अलावा करीब ये मार्च के एंड में एक और मॉडल भी है जो कंपनी सैमसंग लेके आ रही है, उस मॉडल है वो सैमसंग A52 है। और इसमें अभी तक यही मालूम हो सका है कि इसमें सुपर एमोलेड HD पैनल होगा इसमें। बाकी और जब भी ये मार्केट में आएगा, जब ये होगा तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आप बाकी आपको सारे फ्यूचर्स उस वक्त हम दिखा देंगे और मॉडल को भी बेसिकली दिखा देंगे। इसके बाद जो सैमसंग एक नया मॉडल लेके आ रहा है वो है सैमसंग A72 लेके आ रहा है, A72 लेके आ रहा है। और उसमें भी कोई खास उन्होंने बताया नहीं है कि हम अंदाजे के एक्सेप्ट कर सकते हैं जे 71 के बाद 72 की क्या होगी। लेकिन उन्होंने कुछ मेन फन जैसे आएगा हम इसको अनबॉक्सिंग भी करेंगे, दिखाएंगे भी। इसलिए हमारा ये चैनल कहते हैं जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। हम ओप्पो की तरफ देखें तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जब भी कंपनी एक नया मॉडल लेके आती है मार्केट में तो कंपनी साफ़दार उसमें कुछ चेंजिंग करती हैं, कुछ बेहतर लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ओप्पो ने एक ही वो चीज़ के मगर लगाया हुआ है और बस ही चल सो चल। उसमें ये है कि जिस तरह अब F19 प्रो लेके आ रहा है ओप्पो नया मॉडल, और जो इन्होंने F17 निकाला था या F70 प्रो, उसे सेम ही कॉपी कर दिया है, वही चिपसेट लगा दिया है, हेली चिपसेट जो है इन्होंने लगा दिया है, वही उन्होंने चीज़ बता दी है, वही बस डिज़ाइन चेंज कर दिया है, मटीरियल एक ही है अंदर, और कपड़े कुपड़े पहना दिए जो खड़ा कर दिया, लै भी ये कपड़े और थे अब ये कपड़े और हैं, ये खूबसूरत हो गया बंदा हमारा। ये चीज़ इन्होंने ओप्पो वालों ने दी है और कुछ नहीं दिया है, बाकी आपके सामने हम दिखा रहे हैं फोटोज इसकी, और जो इसके फ्यूचर्स हैं वो भी साथ लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये मार्च में एंड में जो इनफिनिक्स मॉडल लेके आ रहा है वो इस वक्त लेके आ रहा है इनफिनिक्स नोट 10 लेके आ रहा है। अभी जो काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं हमारे, ये जी इनफिनिक्स का बताएं, ये सारे सवाल हम कवर होते जा रहे हैं हमारे। इसमें हमें जो 8 GB रैम दे रहे हैं और 256 GB SSD दे रहे हैं जो बेटर है, और इसके साथ हमें हिलो चिपसेट दे रहे हैं इसके साथ जो आ रही है, और तो बाकी ठीक है डिवाइस एक्सेप्ट है कि ये सुपर एमोलेड HD में भी आ सकती है या फिर सिंपल इसको HD प्लस में भी आओ, जब आएगी अभी इतना हाईलाइट नहीं किया गया कि हमें इतना बताया नहीं गया, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हम तक आई है ये कि आ रही है ये इस मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में ये मार्केट में आ जाएगा। आपको पता है जब इन्फिनिक्स लेके आ रहा है तो टेक्नो कैसे पीछे रह रहा है, लेकिन टेक्नो कुछ काफ़ी अरसे से खामोशी की तरफ था, कोई नया मॉडल नहीं लेके आ रहा था, वही पिछले चल रहे थे कुछ कोनोना वगैरह जो मॉडल होते हैं। लेकिन अब इस वक्त पावर में कोई स्पेशल मॉडल लेके आ रहा है टेक्नो, गेमिंग के लिए लेके आ रहा है, इस पर काम कर रहा है अभी। उन्होंने सिर्फ नाम हाईलाइट नहीं किया कि कौन सी है, लेकिन ये है कि कुछ फ्यूचर्स थोड़े थोड़े उन्होंने स्टेटस जरूर लगाए हैं कि ये अब टेक्नो भी गेम लवर के लिए एक एडवाइस लेके आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप कौन सी के कितनी मॉडल नेम नहीं बताया। जैसे आएगा तो हम आपको इसका फुल रिव्यू बॉक्स अनबॉक्सिंग दे देंगे। जी वीवो कैसे पीछे रह सकता है, तो आप वीवो की बारी है, हम वीवो को बता रहे हैं। वीवो 30 के बाद अब लेके आ रहा है वीवो 31, कुछ खास चेंजेस नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन बता देते हैं आपको, आजकल पता नहीं कंपनी वालों के पास कुछ खत्म हो गया, कोई नई चीज़ नहीं, कोई पुरानी चीज़ को ड्रेसिंग चेंज करके दे जा रहा है वीवो और ओप्पो। तो वीवो में जो इस वक्त आ रहा है Y31 आ रहा है, इसमें साइड फिंगरप्रिंट आ रहा है, जिस तरह Y20 और V20 में साइड फिंगरप्रिंट, Y20 में और Y12 इसमें साइड फिंगरप्रिंट दिया, इसमें दिया है, और
इसमें एक 1080 इंच 1080p FHD+ इसका डिस्प्ले होगा और इसके साथ इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा रियल होगा और इसके साथ इसका जो उन्होंने दिया हुआ है IPS डिस्प्ले दिया हुआ है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट फास्ट चार्जर है। उस ये चीज़ें कुछ थी हमने इंफॉर्मेशन 31 की और ये मार्केट में आने एडवर्टाइजमेंट इसकी स्टार्ट हो गई है, इसकी कंप्लेंट वगैरह आ गए हैं। बाकी फाइनली ये मार्च में ये भी डिस्प्ले इस तरह बाहर होने वाली है मार्च में मोबाइलों की, जो हमने आपको बता दी है लेटेस्ट मॉडल जो आ रहे हैं। इस वक्त हमने तमाम मॉडल आपको बता दिए हैं कि व्यूअर्स कौन कौन से आ रहे हैं, उसके क्या क्या कैमरे हैं। अगर आप ऐसी इन सब की अनबॉक्सिंग देखना चाह रहे हैं कि हमें वक्त पे अनबॉक्सिंग भी मिलती रहे, तो हमारे इस चैनल को पार्क टैल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे दे रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें और हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि हम जो यूनिक न्यूज़ होती है जिस तरह प्राइस होगी एकदम हाई वो हम आपको इंस्टाग्राम में सबसे पहले डाल देते हैं और ट्विटर में सबसे पहले डाल देते हैं, इसलिए उनको भी फॉलो कर लें ताकि आपको आती रहे। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा है होगा कि अच्छा लगा लाइक कर लें और अपने होश साझ में इजाजत। अगली वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं, गुड बाय।